किताबों में दर्द था ही नहीं, सिखाया जो सबक जिंदगी ने। वो किताबों में दर्द था ही नहीं, सिखाया जो सबक जिंदगी ने। किताबों में वो सारी बातें रहती है जो हमें जीवन जीने की तरकीब दिखाती है।
तो आज ही पाठ पढ़कर हम जानेंगे कि किताबों को यदि हम एसिडेट करें, आत्मसात करें, तो हम जीवन जीने की हर तरकीब सीख सकते हैं और हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके सहपाठियों से। तो आइए सुनते हैं हम बाल गोविंद भगत जी के जीवन। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वैष्णवी। धन्यवाद स्वरा। तो बाल गोविंद भगत मंझोले करके गोरे चित्ते आदमी थे। उनकी उम्र 60 के ऊपर थी। उनके सारे बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी या चड्डा चूर तो नहीं रखते थे, परंतु उनका चेहरा हमेशा सफेद बाल से जगमग किए रहता। और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लकोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथी और किसी कनपटी टोपी, जिसका अर्थ है कबीर को मानने वाले जो लोग होते हैं वह जिस प्रकार की टोपी पहनते हैं वह भी ठीक उसी प्रकार की टोपी पहनते थे, जिनमें कानों के स्थान पर खाली जगह होती है। जब जाड़ा आता अर्थात जब ठंडी आती तो वह एक काली कमली अर्थात एक काला कम्बल ऊपर से ओढ़े रहते थे। उनके मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ एक रामानंदी चंदन होता, जो उनके नाक के एक छोर से ही औरतों के लंबे टीकों की तरह शुरू होता। और तो और वह गले में तुलसी के जड़ों की बेडॉल माला पहनते थे। तो क्या किसी को यहाँ बेडॉल का अर्थ पता है? बेडॉल का अर्थ होता है शेरवानी। जी तुमने सही कहा, बेडॉल का अर्थ होता है शेरवानी। तो दोस्तों, मैंने आपके जिस प्रकार से बाल गोविंद भगत जी का वर्णन किया उससे आप सभी यह ना मानना कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, वह साधु नहीं थे, वह गृहस्थ थे। उनने शादी जो की थी उनकी गृहिणी का तो लेखक ने इतना जिक्र नहीं किया है, परंतु उनके बेटे और पत्नी के बारे में लेखक ने जरूर बताया। बाल गोविंद भगत की थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु दोस्तों, खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सारी परिभाषा अपने खड़े उतरने वाले, अर्थात वो थे तो गृहस्थ, परंतु उन्होंने अपना सारा जीवन साधु की तरह जिया था। वो कबीर को अपना साहब मानते थे, अर्थात वे कबीर को अपना ईश्वर मानते थे। वो उन्हीं के गीतों को गाना पसंद करते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। उनके आदेशों पर चलने के कारण वो कभी किसी से झूठ भी नहीं बोलते थे, हमेशा सबसे सच्चा अर्थात खरा व्यवहार रखते थे। वो किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच भी नहीं करते थे और ना ही किसी से खामखा झगड़ा करते थे। उनकी एक और विशेषता थी दोस्तों कि वह कभी किसी की चीजों को छूते भी नहीं थे और ना ही किसी से बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। उनकी एक विशेषता जो जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे वह थी कि वह कभी किसी के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे, वरना लोग तो यह देखते ही कि कोई उन्हें नहीं देखता है बिना परवाह किए किसी के भी खेत में बैठ जाते थे। वह इन नियमों को इतनी बारीकी तक ले जाते थे, अर्थात वे इन नियमों का इतने अच्छे से पालन करते थे कि लोगों को कुतूहल होता था, अर्थात लोगों को आश्चर्य होता था। दोस्तों, बाल गोविंद भगत जी थे तो गृहस्थ, परंतु उनकी सारी चीजें साहबों की थी। क्या कोई बता सकता है कि उनके साहब कौन थे? अपने व्यवहार में खड़े रहे।
नकली माल। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई गई फसलों का भोग करते थे। तो दोस्तों अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राधा। धन्यवाद स्वरा। इन सब के ऊपर लेखक तो मुग्ध थे उनके मधुर गीत पर जो सर्वदा ही सुनने को मिलता था। कबीर दास जी के वे सीधे साधे पर जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। तो दोस्तों मैं सोच रही थी कि गांव वासी आषाढ़ के महीने में इतने उल्लास से क्यों भर जाते हैं। तो जैसे हमें पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि यानी खेती। भारत के अधिकतर लोग गांव में निवास करते हैं। गांव के 80% लोग कृषि पर आधारित है। कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा आषाढ़ के महीने में यानी जून जुलाई के महीने में शुरू होती है। तो मैं अब आपको एक दृश्य बताऊंगी। एक ऐसा दृश्य जिसमें बाल गोविंद भगत जी खेती कर रहे हैं। आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेत पर उभर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। बच्चे धान के पानी भरे खेतों में उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा यानी नाश्ता लेकर मेड पर बैठी है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। धूप का बिल्कुल भी नाम नहीं। ठंडी पुरवाई यानी ठंडी हवा चल रही है। इतने में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत अपना समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े यानी कीचड़ में लिपटे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक पौधे को अपने खेतों में पंक्ति भर यानी रो वाइज बिठा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत की सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि साक्षात ईश्वर उनका गाना सुन रहे हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनका संगीत सुनकर झूम उठते हैं। औरतें जो नाश्ता लेकर मेज पर बैठी होती है उनके होंठ कांपने लगते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। किसानों के पैर और हाथ एक विशेष लय से चलने लगते हैं। तो दोस्तों इसे हम बाल गोविंद भगत का संगीत कहें या जादू? तो अब मैंने आपको जो भी जानकारी दी उसके बारे में यानी बाल गोविंद भगत जी के मधुर संगीत के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके संगीत में सच्ची तेज यानी सच्ची पुकार हुआ करती थी। बाल गोविंद भगत के संगीत छोटे छोटे बच्चों को भी अपने संगीत में मंत्रमुग्ध कर देते थे। औरतें जो नाश्ता लेकर बैठी होती थी उनके होंठ खुशी के मारे कांप उठते थे, वे भी गुनगुनाने लगती थी। तो मैं आपको एक और दृश्य की ओर ले चलती हूँ। तो तैयार हो? भादो की अंधेरी आधी रात। भादो यानी अगस्त सितंबर का महीना। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बिजली की तड़प और बादलों की गरज में आपने कुछ नहीं सुना हो, परंतु क्या झिल्ली की चमकार या जादूरों की टर टर यानी मेंढकों की टर टर थोड़ी ना बाल गोविंद भगत जी के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो सकता है? तो दोस्तों उनकी खंजड़ी दिमक दिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पिया चमक उठी सखिया झिमक उठी ना। इसका मतलब होता है हाँ पिया तो गोदी में ही, परंतु वे समझती है वे अकेली है। जीहू उठती है, चमक उठती है, अर्थात ईश्वर रूपी पिया हम सबके यानी हर जीवात्मा के पास होता है, परंतु वह समझता है वह अकेला है, असहाय है और डर जाता है। उसी भरे बादलों वाले बादों की आधी रात में ऐसा थोड़ी ना होगा कि
बाल गोविंद भगत जी का संगीत इसे चौंकाना देता। बाल गोविंद भगत जी खुद तो जाग रहे हैं, संगीत गा रहे हैं और दूसरों को भी जगा रहे हैं। वे गा रहे हैं, तेरी कठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर जाग जरा। अर्थात तुम्हारे मन में अज्ञान, कुविचार, लोभ, लालच ने अपना घर बना लिया है। अरे अब तो जागो, इसको दूर करो, क्योंकि अगर तुम इसको दूर करोगे तभी तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी दृष्टि को। धन्यवाद। धन्यवाद कार्तिक, अक्टूबर नवंबर का महीना आया नहीं कि बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियां शुरू हुई। जी मैं बताती हूँ, प्रभाती का अर्थ होता है प्रातः काल में मोहल्ले में घूम घूम कर गाए जाने वाले गीत, जिसे जागरण गीत भी कहते हैं। इनके द्वारा नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना, विकास की भावना, साहस और उत्साह की भावनाएं जागृत की जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद। यह प्रभातियां जो शुरू हुई तो फागुन के महीने मार्च तक चलती थी। यह प्रभातियां जब शुरू होती थी तब बाल गोविंद भगत जी सुबह जल्दी उठते थे और नदी में नहाने जाते। वह नदी भी गांव के कोई आसपास नहीं थी, पूरे 2 मील दूर थी। जब वे नहाकर तैयार होकर सुबह जल्दी वापस आ जाते तब वे गांव के बाहर ही तालाब के पास एक ऊंची दीवार पर अपनी कुश अर्थात सूखे घास की चटाई बिछाते, खंजरी हाथ में लेते और गाना गाना शुरू करते। लेखक अपने बारे में स्वयं यह बताते हैं कि वह देर तक सोने वाले लोगों में से एक है, परंतु उस सुबह कुछ ऐसा था जो उन्हें तालाब तक ले आया। आप सब तो जानते ही हैं यह क्या था, बाल गोविंद भगत जी का संगीत। लेखक तालाब तक तो जा पहुंचे, परंतु माहौल उस दिन रहस्य से भरा हुआ था। घर, बाग, बगीचे सब पर कुहासा अर्थात फॉग छाया हुआ था। माहौल में ना पूरी तरीके से सुबह हुई थी ना ही लाल चारी थी। आसमान में जहाँ धुंधले तारे टिमटिमा रहे थे वही शुक्र तारा अपनी लालिमा भी बढ़ाए जा रहा था। ऐसे वातावरण में बाल गोविंद भगत जी पूरब की तरफ अर्थात शुक्र तारे की तरफ बैठकर गाना गाए जा रहे थे। बहुत ज्यादा सर्दी थी, सर्दी के दिन थे, लेखक कांपे जा रहे थे, उनके दांत किटकिटा रहे थे, परंतु ऐसे वातावरण में अपनी कंबल खिसक जाने का फर्क बाल गोविंद भगत जी को बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि वह अपने गाने में तल्लीन थे। इतनी भारी सर्दी में भी उनके मस्तिष्क पर पसीने की बूंदें थी। यह तो हो गई गर्मी की बात, क्या होगा उन यह तो हो गई सर्दी की बात, क्या होगा उन गर्मी की उमस भरी पसीने से लथपथ बेचैन शामों का। इन शामों को भी कुछ शीतल कर देता था भगत जी का संगीत। भगत जी का संगीत इन शामों को यूं शीतल कर देता था कि उनके आंगन में वह अपनी कुश की चटाई पर बैठ जाते, उनके साथ उनके आसपास डेरा जमाकर उनकी प्रेमी मंडली बैठ जाती। वह कुछ 2 पंक्तियां ही गाते कि उनकी प्रेमी मंडली उन पंक्तियों को दोहराती और दोहराती। इन पंक्तियों के चलते चलते थोड़ी ही देर में ऐसा वातावरण बन जाता, ऐसा माहौल बन जाता कि भगत जी का स्वर ऊपर चढ़ा और वहीं सारी प्रेमी मंडली का मन भी ऊपर चढ़ा। अब क्या आपको लगता है इस मन को तन पर हावी होने में थोड़ी भी देर लगी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ और पंक्तियां खत्म होते ही सारा आंगन संगीत से ओतप्रोत हो जाता। बीच में भगत जी अपनी खंजरी लिए झूमते और उनके आसपास उनकी प्रेमी मंडली। यह शाम कुछ ऐसी होती थी कि पंक्तियां गाते गाते सब शुरू हो जाते और तेरी कठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर जाग जरा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह बाल गोविंद भगत जी का संगीत उमस भरी शाम अर्थात गर्मी से बेचैन शाम को भी शीतल कर देता था। बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष अर्थात ऊंचाई, बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना की ऊंचाई उस दिन देखने को मिली जिस दिन उनका इकलौता बेटा हुआ।
कुछ नाजुक सा और कमजोर सा था वह, परंतु इसी कारण बालगोविंद भगत जी उसे और भी माने। उनकी समझ में ऐसे बच्चों पर ज्यादा नजर या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, पतोहु बड़ी ही सुबह पर सुशील मिली थी उन्हें। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कराया था। पतोहु के आते ही भगत के हाथों से घर की देखभाल जिम्मेदारी से वह मुक्त हो गए। दोस्तों मैं कह रही थी कि पतोहु के आते ही भगत के हाथों से घर की देखभाल जिम्मेदारी से वह मुक्त हो गए थे। बाल गोविंद भगत जी का बेटा मर गया है यह खबर अपने को किसमें फुर्सत थी, परंतु मौत तो अपनी और सभी को खींच ही लेती है, अर्थात मौत की खबर कानों कान सब तक पहुंच ही जाती है। जब लेखक और गांव वालों को पता चला कि बालगोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो कुतूहल प्रश्न के गए। देखा कि उनका बेटा एक चटाई पर लेटा हुआ है और एक कफन अर्थात सफेद कपड़ा उस पर रखा हुआ है। थोड़े फूल बिखरे हुए हैं और एक चिराग जल रहा है अर्थात दीपक जल रहा है। लेखक दम रह गए जब उन्होंने देखा कि ठीक उसी के सामने एक आसन पर बैठकर बालगोविंद भगत जी गीत गा रहे हैं अर्थात भजन गा रहे हैं। वही पुरानी स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। अब उनकी पत्नी जोर जोर से रो रही है, जिन्हें गांव की स्त्री चुप करा रही है। बालगोविंद भगत जी कभी कभार अपनी पत्नी के नजदीक जाकर उसे चुप करा, उसे कहते, अरे पगली उत्सव मना, आप सब आश्चर्यचकित हो गए होंगे, बेटे के क्रियाकर्म के समय पर उत्सव, कहीं वो पागल तो नहीं थे? परंतु नहीं, वह पागल नहीं थे, उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो मृत्यु पर भी विजयी पाता है। उनका विश्वास यह था कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, जीव रूपी आत्मा ईश्वर रूपी परमात्मा से मिलती है, अर्थात विरहिणी प्रेमी से मिलती है। आखिर इससे बड़ी आनंद की बात और क्या हो सकती है? इसलिए उन्होंने अपने पतोहु को कहा कि उत्सव मना। दोस्तों हमने देखा कि कबीर ने मनुष्य शरीर को नश्वर माना, वे जीवन को प्रभु भक्ति में लगाने की सीख दे थे। बाल गोविंद भगत जी ने उनके इन आदेशों को पूरी तरह से माना। उन्होंने तो अपने बेटे की मृत्यु को भी उत्सव में बदल दिया, वे अंत तक मस्ती भरी गीत गाते रहे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इशिता। धन्यवाद स्वरा। दोस्तों जैसा अपने स्वरा ने बताया, बाल गोविंद भगत जी ने अपने बेटे के क्रियाकर्म में बिल्कुल तूल नहीं दिया, यानी बिल्कुल महत्व नहीं दिया, और तो और उसकी चिता को भी अपनी बहू यानी अपनी पत्नी से ही आग जल गई। परंतु जैसे ही उनके क्रियाकर्म की अवधि पूरी हुई, उन्होंने अपने पत्नी के भाई को बुलाकर आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। इधर उनकी बहू रो रो कर कहती कि मुझे अपने आप से अलग नहीं कीजिए, आप बूढ़े हैं, आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, और तो और आप। दोस्तों ये मोह नहीं प्रेम है, प्रेम और मोह के बीच में निश्चित रूप से अंतर होता है। यह अंतर हमें बालगोविंद भगत जी ने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया है। बालगोविंद भगत जी ने अपनी पतोहू के लिए मोह प्रकट न करके प्रेम प्रकट किया है। उन्हें अपनी बहू के भविष्य की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने उसके भविष्य के बारे में सोचते हुए उसे दूसरी शादी कर देने के लिए कर दिया। बालगोविंद भगत जी ने अगर मोह प्रकट किया होगा तो वे उसे अपनी सेवा के लिए रख लेते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्वरा। धन्यवाद इशिता। तो दोस्तों हमने देखा कि कबीर ने नर नारी की समानता पर बल दिया, बाहरी आदम पर ऊपर चोट, उनके इन आदेशानुसार उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज पर व्यवहार किया, उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित और हितकारी लगा। दोस्तों हमने यह भी देखा कि कबीर की राहों पर चलते हुए बालगोविंद भगत जी ने रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन किया। बालगोविंद भगत जी ने अपनी पत्नी के हाथों से अपने बेटे की चिता को अग्नि दिलाई। हम यह भी जानते हैं कि उस जमाने से लेकर आज तक अग्नि चिता को अग्नि दिलाने का कार्य सिर्फ पुरुषों का है,
परंतु बाल गोविंद भगत जी ने यह होने न दिया। बाल गोविंद भगत जी ने समानता पर बल दिया। एक और बात, बाल गोविंद भगत जी ने अपनी पत्नियों की पुनः विवाह करवाने की सलाह देकर उसकी भविष्य उज्जवल और स्वर्णिम बनाया। हम यह भी जानते हैं कि उस जमाने से लेकर आज तक विधवा को एक सफेद साड़ी में पूरी उम्र दुखमय जीना पड़ता है, परंतु बाल गोविंद भगत ने अपनी पत्नियों की दूसरी शादी करवा कर उसका भविष्य उज्जवल और स्वर्णिम बनाया। तो दोस्तों, आओ मिलकर हम इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने का संकल्प लें। इसी संदर्भ, इसी संबंध में मुझे इस रूढ़िवादी परंपरा या विचारधारा को तोड़ने के संदर्भ में मुझे एक दुष्यंत कुमार की कविता याद आ रही है, तो जरा गौर फरमाइए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार परतों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार परतों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आप, लेकिन आप जलनी चाहिए, लेकिन आप जलनी चाहिए, लेकिन आप जलनी चाहिए, अर्थात रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनुष्का। धन्यवाद। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, अर्थात बाल गोविंद भगत की मौत वैसी ही हुई जैसा वह चाहते थे। वे यह चाहते थे कि वो मरते दम तक अपने सारे कार्य स्वयं ही करें और दूसरों से सेवा ना लें। दोस्तों, आपको पता है अक्सर लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन बाल गोविंद भगत जी कबीर को मानते थे, उन्हें कर्म कांड में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वे तो गंगा स्नान जाते थे क्योंकि वहां उनकी भेंट सच्चे संतों से होती थी, जिनके साथ मिलकर वह ईश्वर की चर्चा करते थे। अब मैं आपको बाल गोविंद जी के बारे में एक चौंका देने वाली बात बताती हूँ। गंगा कुछ 30 कोस दूर थी, पर रास्ते भर वो कुछ नहीं खाते थे। घर से निकलते तो खाना खाकर ही निकलते और प्यास लगने पर पानी पी लेते। बूढ़े होने के बावजूद उनका भजन गाने का उत्साह वही जवानी वाला ही था। परंतु इस बार जब वो लौटे उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। फिर भी वह दिन में 2 बार भजन गाते थे और खेती बाड़ी का भी ध्यान देते थे। दिन ब दिन वो कमजोर होने लगे। उस दिन भी उन्होंने भजन गाए, अर्थात जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी उन्होंने भजन गाए। लेकिन जब वो भजन गा रहे थे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें टूट रही हो, मानो माला में से मोती बिखर रहे हो। प्रातःकाल जब लोगों ने उनके भजन नहीं सुने, उन्होंने जाकर देखा तो यह पता लगा कि बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी। विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली, अर्थात बाल गोविंद भगत जी की आत्मा परमात्मा के पास चली गई। उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। तो दोस्तों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदित्य। दोस्तों, हमने इस पाठ में जाना और यह समझा कि कैसे कबीरदास जी के दोहों पर चलकर उन्हें मानकर बाल गोविंद भगत जी ने अपनी जिंदगी को स्वर्णिम बनाया, सुखमय बनाया। दृष्टि, इसी सच्चाई और संघर्ष पर मैं जगदीश गोस्वामी की एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिससे मेरे जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। और मैंने जाना कि किताबों में जिंदगी बिताने के कई सारे तरकीबें दिए जाते हैं। इरशाद है, इरशाद है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए भी तो क्या चाहिए हम, या भी तो जो नत हुआ वह मृत हुआ, वृत से झड़कर घुसो, जो पर फूल रुका नहीं, जो हार दे झुका।
जीवन का युग। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष। हमने रचा आओ, अब हमें तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिले, मिलना वही जो मोड़ दे मजहार को। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही रहे। यह जिंदगी थी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बनी। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको पोछना, अपने नयन का नींद अपने आप हमको पोछना। आकाश तो देगा नहीं, धरती पसीजी भी है नहीं। हर राही को भटक कर भी नहीं दिशा मिलती है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष।